الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر بیٹھ جو بچن کھڑا نہ من ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
हर चीज ने हर नफ्स ने मौत का जायका चखने और बेशक तुहानू पूरा अजर कयामत वाले दिन मिलेगा। فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ پس جو شخص بچا لیا گیا جہنم تو اور جنت وچ داخل کر دیتا گیا فَقَدْ فَازَ پس تحقیق اے بندہ ہی کامیاب ہو گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور اے دنیا دی زندگی نہیں مگر عارضی فائدہ ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جنہیں بغیر گزارا نہیں اور جنہیں بغیر چھٹکارا نہیں، بلکہ عربی دا ایک شاعر آندا ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے الموت قدہن کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جیڑا ہر انسان نے پی کے رہنے، والقبر بابن کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جتوں ہر انسان نے بالآخر گزر کے رہنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، سدا کسی نے دنیا تے ٹھہر نہیں رہنا، اے بات تے حقیقت ہے بلکہ 100% حقیقت مبنی ہے کہ دنیا تو جانا ہی جانا ہے، پہلے جا رہے نے، پہلے اپنیاں صفاں لپیٹ رہے نے، بعد وچ آن والے اپنیاں صفاں بچھا رہے نے، لیکن بات سمجھن والی یہ ہے کہ سانو اپنے فوج شدگان اور اپنے پیارے والدین بہنا برا عزیز و اکار یہ جتنے بھی ساڈے پیارے دنیا تو جا رہے نے، اسی انہاں نوں بھلا دینے آ وقتی طور تے، اسی اپنیاں محبتاں دا اظہار بھی کرنے آ، لیکن بالآخر کچھ وقت گزرن دے بعد بڑے بڑے پیاریاں نوں اساں بھلا دینے آ۔ یہ بات اپنے ذہن نشین فرمانا، اگر اج ساڈے والدین ساڈے پیارے دنیا تو چلے گئے نے،
अगर असी ओना दियां कबरां ते नहीं जावांगे या ओना नू अपनियां दुआवां च याद नहीं रखांगे ते फिर जदों असां दुनिया तो जावांगे ते फिर साडे पिछले भी सानू भुला देंगे, साडियां औलादां भी सानू भुल जाणगियां। अज मापिआं नू अगर असी याद रखांगे ओना दी वफात दे बाद उन्हां वालिदैन वास्ते दुआवां, उन्हां वल्लों अल्लाह दे राज सदका तो खैरात, उन फौजशुदगान माँ बाप वल्लों अल्लाह दे राज माल खर्च करांगे ते फिर यकीनन 100% यकीनन कल जदों असी दुनिया तो जावांगे ते फिर साडियां औलादां भी सानू अपनियां दुआवां च भुला नहीं सकणगे। मेरे भाइयो, मेरे बरादर, आइए अज दे इस अजीम शान खुतबे जुमा दे अंदर मेरा दिल करदा है कि मैं इस बात का तज़किरा करा कि जेड़े साडे प्यारे दुनिया तो चले जांदे ने उन्हां प्यारियां नूं सानू अपनियां दुआवां च याद रखना चाहिए। जेड़े साडे प्यारे दुनिया तो चले गए ने, यानी इस मजमा आम अंदर कईयां दे बाप दुनिया तो चले गए ने, कईयां दियां मावां दुनिया दा सफर मुका गईयां, कईयां दे जवान भाई दुनिया तो चले गए ने और कईयां दियां जवान हमशीरां दुनिया दा सफर मुका गईयां ने। असी उन्हां अपने प्यारियां नूं याद रखिए, अपनियां दुआवां दे अंदर असी ना भुलाइए, अपने प्यारे फौत शुदा जेड़े ने उन्हां नूं असी हमेशा याद रखिए। आओ जरा इस हवाले नाल अज मैं अपनी मारूसात और गुजारशात करना चाहना। अल्लाह दुल जलाल वाली कराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद, जरा प्यार मोहब्बत ना कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह जुल जलाल दा कुरान नाजल हो रहा है। जरा ऐलान खुदाबंदी समात फरमाना। अल्लाह जुल जलाल ने पहला सानू अपनी मौत याद करवाई है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, फरमाया कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामत फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ार व दुनिया। फैसला रब्बुल आलमीन के हर चीरो ने दुनिया तो मौत दा सायका चख के ही जाना है। इत्थे बड़े बड़े अल्लाह दे फरमा बरदार भी आए ने, इत्थे बड़े बड़े अल्लाह दे ना फरमान भी आए ने। और यार फरमा बरदार इस कदर ज्यादा आए ने कि अल्लाह दे नबी खलील अलैहि सलाम जैसे ना फरमान इस कदर से आए ने जिन्ना अल्लाह दे मुकाबले च अपने आप नू रब आखे आए। लेकिन कोई हमेशा दुनिया ते नहीं रहा। अल्लाह 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 मैं तेरे कुरान की असमत तो कुर्बान जाव ते लख वार मैं सदके जाव। अल्लाह फरमाते ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलान फरमा दियो ना हर जीरों मौत जायका चख गई रहना है। बड़े बड़े आए दुनिया ते ओए नबी वाली और आलम फाजिल नबी वाली और आलम फाजिल गुजरे नी जंग चंगे रे मौत आई सब छोड़ इलाके मौत आई सब छोड़ इलाके जा कबरी की देनी डेरे नशे हम बचे आए मौत न छोड़े और जीते हो वो के रे हमें बुरज बनाओ मुहकिम अकेले या कोट ओचे रे चार दिहाड़े कोयल वासा ओए अल्लाह दिया ना फरमाना ते मालक दिया ना फरमानिया करन वाले आ चार दिहाड़े कोयल वासा आखर ए तो जाना कारो कुछ फिकर तो कबर कयामत ओ जिथे नित टिकाना मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह सुल जलाल वाली करहाम दा निशाम है ना जेड़ा भी दुनिया ते आया सदा रहन वास्ते नहीं आया बल्कि बिल आखर होने मौत नाल हम किनार होना है ते अल्लाह सुल जलाल दे दरबार विच पेश होना है नहीं किसे ने सदा रहना है सदा ना बाग बुल बुल बोले सदा ना बाग बोल बोल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना बाग बोल बोल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना हुसन जवानी मापे सदा ना हुसन जवानी मापे सदा ना सोहबत यारा मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दा निजाम है ना हुन मेरे भाई आइए सरा नोट फरमाना साडे किन्ने प्यारे आए ने ते कई प्यारे दुनिया दा सफर मुका गए ने यार कई ऐसे जवान भाई ने जेड़े जवान भाइया दा जनाजा इन्ना कंधिया ते उठा के कब्रस्ताना च छड़ के आ गए ने कई ऐसे जवान बेटे ने जिन्ना इन्ना कंधिया ते जा अपने इन्ना कंधिया ते अपने बुढ़िया मापिया दिया चार पाइया उठा के एक कब्रस्ताना दे सुपुरद करके आ गए ने इत्थे कई मेरे ऐसे जवान होंगे जिन्ना बुढ़ी मां दे जनाजे नू भी कंधा दिता होएगा मेरे भाई निजाम जो मेरे मालिक दा है बड़े बड़े प्यारे आए पर हमेशा रहन वास्ते कोई आया हमेशा ते सदा रहन वास्ते कोई नहीं आया ते हुन देखना एवे के जेड़े साडे प्यार दुनिया दा सफर मुका गए ने यार जिंदगी ए ते गुजरी जांदी है जिन्ना बगैर झट नहीं पैंदा जिन्ना बगैर वक्त नहीं गुजरदा ते जदों मौत ते आहनी पंजे आउंदे ने ते जनाब बंदे नूं दबोच के लै जांदे
रहने दुनिया का निजाम ये चलता रहना ये चल चली दा दौर दौर है कोई आ रहा है कोई जा रहा है मापे जा रहे ने बेटे जवान हो रहे ने मामा जा रही ने ते बेटियां जवान हो रही ने हुण वेखना ये आ कि असी अपने प्यारियां दे फौत होण दे बाद उन्हां नाल किहड़ा सलूक करना है। अच्छा जिंदगी अंदर ते बंदा अपने मापियां दियां खिदमतां करदा है ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕਿਵੇਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਫਰਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम ने फरमाया मापे फौत हो जान बाप फौत हो गया या माँ फौत हो गई है अल्लाह दे पाक नबी अली सलाम ने फरमाया अल्लाह सुल जलाल दे पैगंबर ने फरमाया ए औलाद नू चाहिए अपने मापियां दे अगर मापे फौत होण वाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਫੌਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਮਰਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਹੱਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ अगर कोई फौत होने वाला बाप या मां या कोई आम बंदा फौत होने तो पहला तुहानू कोई वसीयत कर दे ते घर वालिया नू चाहिदा उस वसीयत ते भी अमल करना चाहिदा है ओ जेड़ी वसीयत शरीयत दे मुताबक होए ओ शरीयत दे मुताबक कीती होई वसीयत औलाद नू अमल करना चाहिदा है मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह सुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अली सलाम ने फरमाया कर्द इस कदर जरूरी अदा करना है हुजूर ने फरमाया ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਜਾਂਦਾ
अपनी जान कुर्बान कर जांदा है। जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम फरमांदे ने ए चाहिदा ए कर्ज इस कदर जरूरी उतारना। शहीद दा कितना बड़ा दर्जा है कि शहीद बंदा जदों अल्लाह दे राह च जान कुर्बान करदा है एदे खून दा कतरा जमीन ते बाद विच डिगदा है। अल्लाह एदे सारे गुनाह पहला ही मुआफ फरमा दिंदे ने। शान इस कदर शहीद दा ज्यादा है। लेकिन अगर शहीद बंदे ते कर्जा है अल्लाह शहीद दे सारे गुनाह मुआफ कर देगा पर अल्लाह शहीद दा कर्जा मुआफ नहीं करेगा। यानी जेड़ा दुनिया ते आ कर्ज दा मामला है लोगो इनू दुनिया ची क्लीयर करना चाहिए। अगर नहीं बंदा कर सकया ते फिर औलाद नू चाहिए अपने अपने बाप का कर्जा उतार दिया कर। क्योंकि मेरे आका अली सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मकरूज फौत होंदा है ते मकरूज बंदे नू कर्जे दी वजह तो आखरत विच परेशानियां आउंदियां ने ओनू दुख आउंदे ने। अल्लाह सुल जलाल वाली कराम दी तरफों सख्ती आउंदी है। ऐ कर्ज दा मामला ए दुनिया दे अंदर ही क्लीयर करके जाना चाहिए। मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा इन्ना फौत शुदा प्यारियां वालों यार जेड़ा भी अमल करांगे जेड़ी भी नेकी करांगे अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया मेरे दिन अगर एक बंदे दे मां बाप फौत हो गया ने दुनिया तो वालिदैन चले गए ने गुनाहगार सन या नेकोकार सन ए ते अल्लाह ही जानदा। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने बिल आखर ए मां बाप दुनिया तो चले गए ने ते अचानक ही ना मापिया दा दर्जा बुलंद होन लग पिया है। मापिया नू अल्लाह ने जन्नती बना दिता है ते जन्नती ते है ही है ने उन्हां दे दर्जे बुलंद हो ही जा रहे ने उन्हां दियां अजमतां वधदियां जा रही ने ते ये जेड़े मापे फौत होने वाले ने ना हैरान रह गए ने आंदे ने अले अल्लाह सुल जलाल दे प्यारे पैगंबर अली सलातो व सलाम दा फरमाने गिरामी है इन्ना अपने प्यारियां नू भुला ना दिया करो इन्ना अपने मापियां नू भुल ना जाया करो। मेरे भाई मेरे बरादर यार जानते हो ना मां बाप ते ऐसी असीम नेमत है अगर एक बार दुनिया तो चले जान ते फिर दोबारा मापे दुनिया ते नहीं आउंगे। मेरे भाइयों यार बाप फौत हो गया मां फौत हो गई है इन्ना दी कमी ते बंदा हमेशा महसूस करता है इन्ना दी कमी सारी जिंदगी बंदा महसूस करता है। मैं एक वाकया पढ़िया अखबार दे अंदर एक न साढ़े फौजी जवान शहीद हो गए दुनिया का सफर मुका गए ने इन्हां नूं दफन कर दिता गया है। ये फौजी शहीद हो गया ते अल्लाह सुल जलाल दिया मर्जियां बेटियां है ने चार बेटा है कोई नहीं चार बेटियां छड़ के गया है ते जानते हो ना यार निकिया निकिया मासूम बेटियां जदो बाप दी कबर वेंदियां होनगियां ते दिल दी कैफियत की होएगी। चार बेटियां ने फौजी साहब शहीद हो गए ने ते बेटियां दे इम्तिहान आ गए ने बेटियां दा सालाना इम्तिहान आया ते बेटियां अच्छे नंबर लैके
पोजिशन लैके पास हो गई ने ते ए जवान बेटिया इंज हाथ विच शील्डा पकड़िया ने अपने हाथों च इनाम पकड़े ने अपने हाथों च जेड़े सकूल चो तहाइफ मिले ने वो शील्डा पकड़िया ने ते चारे बेटिया घर जान की बजाय सीधिया बाप की कबर ते चलिया गई सिद्धियां बाप दी कबर ते चलिया गई ने ते बाप दी कबर ते खलो के इंज शीरडां पकड़िया ने रोई जांदिया ने रोई जांदिया ने ते नाल आंदिया ने अबू उठो ना जरा वेखो तुहाडियां बेटियां इम्तिहाना चो पास हो गई अबू जरा उठ के देखो ना तुहाडियां बेटियां इम्तिहाना चो पास हो गई ने अबू जी ए शील्डा मिलिया ने असी किन्नू जाके वखावांगिया अबू शील्डा जेड़ियां स्कूल चो मिलिया ने अबू जी ए किन्नू जाके वखावांगिया अबू अज बाप जिंदा हुंदा ते किन्नियां ही खुशियां मनांदा मेरे भाई मेरे बरादर यार निजाम मेरे मालिक दाए ना ए बेटियां बाप दी कबर ते रोई जांदियां ने पापा जी उठो ना तुहाडियां बेटियां नूं वेख लो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दीती है यार बाप दा साया बड़ा अजीम साया है एक बार ए साया उठ गया ते दोबारा नहीं लभना मैं चंद दिन पहला मेरे बड़े प्यारे भाई मलक मुहम्मद शबीर अहमद साहब नाजमे आला जामिया रब्बानिया सल्फिया मलक जियाउल्लाह साहब ऐ चंद दिन पहला ऐ रोड ते जेल रोड ते उन्हां दे वालदे गिरामी दा मैं जनाजा पढ़ाया है ते हाय हाय बड़े नेक बुजुर्ग सर बाबा जी मुहम्मद रफीक अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हां नूं अपने फसल दे नाल अल्लाह जन्नता अता फरमा देवे ते मर्जियां मेरे मौला दियां रात डेढ़ बजे मैं रायवण तो आ रहा सा मैनू इतला मिली मलक साहब दा फोन आया कि अब्बा जी वफात पा गए ने मैं उन्हां दे घर पहुंचया सीधा रायवण तो घर आया गले लग के मलक साहब रोई जा रहे ने मैं हौसला दे रहा भाई कोई गल नहीं अल्लाह दिया मर्जिया ने सारे ने जाना ही जाना कहन लगे रब्बानी साहब ये ते पता है जाना ही जाना है पर असल गल अज तो बाद दुआवां वाला दरवाजा बंद हो गया ये ते पता है जाना ही जाना है अगे असी घर दाखल होने सा सामने अपने बाप ते नजर पैंदी सी बाप भावे बाप चार पाई ते लेटे आसी बीमार सी पर साडे घर ते रब दियां रहमतां बरसदियां रहिंदियां सन बाप दे चेहरे ते नजर पैंदी ते थकावटां लथ जांदियां ते जदों घरों निकलन लगदे बाप आंदा जाओ बेटियो तुहानू अल्लाह दे सपुरद वापस आउंदे ते बाप दा चेहरा खिल खिला जांदा कहन लगे हजरत जाना ते है ये पर असल गल ओ जेड़ियां दुआवां होंदियां सन ओ दुआवां वाला दरवाजा बंद हो गया है मेरे भाई मेरे बरादर यार मालिक दाए बाप जिंदा होवे होंदी दुआ करो अल्लाह जिन्ना दे मापे फौत हो गया मैं उन्हां नूं जन्नत अता फरमा दे।
अल्लाह साडे जिन्ने भी प्यारे फौत हो गए ने साडे प्यारियां दियां कबरां नूं जन्नत दे बाग बना दे। ते मलक शबीर साहब मैनू कह रहे सन साडे बाप दी वसीयत साडे बाप साडे अब्बा जी फरमाया करते सन ए मेरे ओ बेटे ओ कारी आसफ रब्बानी दा साथ दिंदे ही रिहा दे उन्हां दा साथ ना छड्या दे मेरे भाई ओ बजुर्ग साडे मेरे रूहानी बाप सन जेड़े मेरे नाल भी अपने बेटियां दी तरह प्यार करदे सन। अल्लाह मलक साहब दे वालदे गिरामी दी कबर नूं जन्नत दा बाग बना दे। यार जिन्ना लोगां ने उलमा दे दिल सुखी रखे होर जिन्ना ते उलमा दिलों राजी होर ते धक्के नाल ही दिलों दुआवां निकलदियां ने। मैं आखिया करना ओए दुआवां करवाया घट करो दुआवां लिया करो दुआवां उलमा कोलो लैण दी कोशिश करया करो दुआ करो अल्लाह इस मजमे दे अंदर जिदे जिदे अम्मी जिदे अबू इस दुनिया तो चले गए ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बाग बना दे। बाप बड़ी असीम नेमत है। बाप जिंदा होवे हुंदी फिकर नहीं औलाद नू बाप जिंदा होवे हुंदी फिकर नहीं औलाद नू करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नू बाप जिंदा होवे हुंदी फिकर नहीं औलाद नू करे रखवाली कोई तोड़े ना गुलाब नू इना बाग दे बूटिया नू इना बाग दे बूटिया नू कदी ना सुकावी रब्बा इना बाग दे बूट अल्लाह साडे चो जिन्ना दे मापे जिंदा ने अल्लाह उन्हां नूं ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा दे। इना बाग दे बूटिया नू कदे ना सुकावी रब्बा बाप का विछोड़ा किसे नूं ना पावी रब्बा तिया पुत रोंदे जदो बाप टुर जांदा ए असा वेखे तियां अपनी जगह रोई जा रही ने ते जवान पुत्र अपनी जगह रोई जा रहे ने। यार बाप नल बहार ही कुछ अनोखी हुंदी है। बाप अपने बेटियां दे सर ते एक साहिबान दी हसीयत अंदर हुंदा है। बाप घर चो कुछ ना करे बाप इत्थो बर्तन चुक के उथे भी ना रखे बैठा रवे लेटिया रवे और फिर भी अल्लाह दा शुक्र अदा कर तेरे घर विच रब दियां रहमतां बरस रहियां ने। इन्हां मापियां नूं बोझ ना समझिया करो और नौजवानों यार मैं रब दा वास्ता दे के तुहानूं अपील करना इन्हां वडेरियां नूं बोझ ना समझिया करो इन्हां वडेरियां दा दिल ना दुखाया करो। अल्लाह दी कसम इन्हां नूं नाराज करेगा ते अर्श वाला रब तेरे ते नाराज हो जाएगा। मैनूं एक दोस्त ने वाकया सुनाया क्या लगे साडे महल्ले दे अंदर ना बुजुर्ग बाप वडेरा हो गया गल सुनिया ते तरह बाप वडेरा है तीन जवान बेटे ने ते बाप ने सोचिया ये सारे मेरी मुहब्बत का दावा करते ने
मैं वेखा ते सही ना चेक ते करा किन्ना कु प्यार कर देने यार बाप तेरी एक एक चीज नोट कर दाए बाप नू ओ भी वक्का याद है जदो कंधिया ते बिठा के तेरिया फरमैशा पूरिया कर दा रहा है ते जालिमा आज बाप दा टाइम आया ओ बाप दिन बा दिन वडेरा हो रहा है ओ कमजोर हो रहा है बेटा ताकतवर हो रहा है ए जालिम ताकतवर बन गया ते मापिया दा ना फरमा बन गया है अल्लाह अल्लाह ए बाप ने ना तिन्ना बेटिया नू बुला लिया कहन लगा ओ मेरे ओ बेटे ओ ए मकान ए भी मकान ए मकान इन्ना पैसा इन्ना बैंक बैलेंस है ते इंज करो ना ए सारा कुछ संभाल लो इनू मैं दो ही सेहत करन लगा बेटे किन्ने ने तीन इसे किन्ने करन लगे ने दो कह लगा मैं दो हिस्से सारे माल दे करन लगा ते कह लगे अब्बा जी असि तीन भरावां कह लगे पुत्रो दो हिस्से माल दे ते तीसरा हिस्सा मैं अपने आप नू बनाया है यानी दो पुत्र दुनिया दा माल रख लो ते तीसरा पुत्र मेनू रख लवो बाप दियां अखां डुल रही ने एक बेटा कह लगा ए दुकान मेरी है ए भी मैं लैनी है दूजे ने कहा ए पलाड़ ते ए मकान दो भरावां ने जल्दी ना तकसीम कर लईए वंडियां पा लईआं ते तीसरा भरा छोटा रह गया है उन्हें अब्बा जी नू बांह तो फड़िया ते अपने घर लै गया है अपने घर लै गया है ते बाप कहन लगा ओए बेटिया पुत्रा माल ते ओ लै गए ने दुकाना ते ओ लै गए ने ते पुत्रा तैनू की लभ्या मैं तेरा बाप बुढ़ा वा मैं तैनू कमा के नहीं दे सकदा ते मैनू तू की करेगा ते बाप दियां भी अखां डुलियां ने ते बेटा भी रोई जा रहा है कहन लगा अब्बा जी कुछ ना दोगे पर मेरे घर विच बह के मेरे वास्ते रब कोलों दुआवां ते करदे रहोगे कुछ नहीं दोगे अब्बा जी मेरे वास्ते रब कोलो दुआवां ते करदे रहोगे मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह सुल जलाल दी कसम कदर कर ला ए मापे जे एक दफा चले गए खुश नसीबो ओ नौजवानो ओए मेरी मिल्लत दे जवानो रब्बानिया सलफिया च आउन वाले हो यार इन्ना मापिया दी कदर कर लिया जे धिया पुत रोंदे जदों बाप टुर जांदा है धिया पुत रोंदे जदों बाप टुर जांदा है लोकी यतीम आखन दिल घबरांदा है लोकी यतीम आखन दिल घबरांदा है हौसले यतीमां दे तू आपे वदावी रब्बा हौसले यतीमां दे तू आपे वदावी रब्बा बाप दा विछोड़ा तू किसे नू ना पावी रब्बा बच्चे बाप नाल जदों लाड लडांदे ने बच्चे बाप नाल जदों लाड लडांदे ने ओ यतीम मनमाने होके लै लै रोंदे ने इन्ना वगदे आहन जवानू इन्ना वगदे आहन जवानू तू आपे सोकावी रब्बा
इन्ना फागदे आंचवानू तू आपे ये सोकामी है रब्बा पाप ताव छोड़ा तू किसे नू ना पामी रब्बा। अल्लाह दा कुरान भी कह रहे हैं अल्लाह फरमाते ने वकासा रब्बगा अल्लाह ताबद इल्ला इयाहु वबिल वाले तयन एहसाना इम्मा यबलोहन्ना इल्दा कल के बरा दोमार आओ के लाहुमार फला ता कुल्लाहुमार उफिन वाला ता नहर हुमार वकुल्लाहुमार कवलन करीमार वाक्फ़ेसलाहुमार चना हसुल मेनर रहमार वकुर रब्बिर हमार वकुर रब्बिर हमार कमार रब्बयानी सगीरा। इन्ना मापिया की कदर कर लिया दे इन्ना फौत शुदा मापिया ना मुहब्बत प्यार कर लिया दे मेरे ते तुआडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु आमिना दे लाल अली सलाम दा फरमान मैं कुर्बान जाव लख वार मैं सदके जावा मैनू याद आया हजरत शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेहुपुरी कहो रहमतुल्ला अल्लाह उन्हां दी कबर नू जन्नत दा बाग बना दे आमीन उची कह दियो मेरे भाई गल मुका दया शेखुल कुरान बाबा दी बाप दी कदर दा वेखो सिला किन्ना मिलदा है ते बाबा जी मुहम्मद हुसैन शेहुपुरी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दा बाप गैठिए दा मरीज है बाप बीमार है ते शेखुल कुरान नू अल्लाह ने मकाम बड़ा अता फरमाया है ते जदों जुमे दा दिन आउंदा ना ते शेखुल कुरान ते बाप कोलो चलिया नहीं जा बाबा जी शेखुल कुरान अपने घरों जुमा पढ़ा निकल देना ते अपने बुढ़े बाप नू अपने कंधियां ते उठा लेंदे अपने बुढ़े बाप नू अपने कंधियां ते उठा लेंदे ते ले आके ना मिंबर दे कोल अपने बिठा लेंदे ते आप जुमा पढ़ान लग पेंदे ते बाबा जी शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दा वालदे गिरामी जदों शेखुल कुरान बाप नू कंधियां ते उठा के मस्जिद ले आउंदे ते बाप दे मुंह चो लफ़ज की निकलदे ने फरमांदे ने ओए मुहम्मद हुसैन पुत्रा तू मैनू कंधियां ते चुकी फिरना है जा मेरी दुआई सारी जिंदगी लोग तैनू हत्थां दियां तलियां ते चुकी फिरनगे और जाओ पुछो बुजुर्गानू फिर शेखुल कुरान नू सारी जिंदगी वाबियां ने तलियां ते चुकिया है सारी जिंदगी फिर शेखुल कुरान लोकां दे हत्थां दियां तलियां ते ही रहने ते कुरान सुनांदे रह वजह की है ए बाप दी दुआ लग गई है यार बाप दा इहतरान ते जदों बाप फौत हो गया है ते फिर असी बाप नाल किवें नेकी कर सकने आ मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने फिर बाप दे फौत होण दे बाद बाप नाल नेकी है वे जेड़े काम तुहाडा बाप नेकी दे करदा रहा उन्हां नेकियां नूं जारी रखना है उन्हां नेकियां नूं जारी रखना है ते जिदे नाल तुहाडा बाप जिंदगी च प्यार करदा रहा है औलाद नूं चाहिदा है जिंदगी च ओहदे नाल प्यार करदे रहे यानी जेड़े तुहाडे बाप दे दोस्त ने उन्हां दे नाल
ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਅੱਲਾ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਫੌਤ ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਐਂਦ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਾਲ। ਕਾਇਨਾਤ ਇਮਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਹਮਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਉਸ ਮੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਬਰ ਦੀ ਮੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਬੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਰੋਡ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਵੀ ਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਡੀਕਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਈਆ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਹਾਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਸਾਖਤਾ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਬੀ ਅੱਜ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੰਧਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾ ਖਰੀਅਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਾਖਤਾ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਸਹਾਬੀਓ ਆ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਪੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਈਆ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਈਆ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਬੀ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਕਬਰ ਦੀ ਮੱਟੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰੀ
विचारन आप फरमाते होंगे अम्मी तू आखिया कर दी सना पुत्र मैं तेनू जवानियां मान दिया वेखना चाहनिया अम्मी तू आंदी सना पुत्रा मैं तेरिया इज्जत वेखना चाहनिया अम्मी तू आंदी होंदी सना बेटे मैं तेनू शान ते मर्तबे वाला वेखना चाहनिया अम्मी जरा उठ के वेख ते सही ना अल्लाह ने तेरे बेटे नू सारी कायनात दा सरदार बना दिता है अम्मी सारा उठ के वेखते सही ना केड़ी असमती पाके जेड़ी रब ने तेरे पुत्र दी चोली वेच नहीं पा दीती यार ऐसे हालात होंदे ही ने ना मापियां दिया खाशा ते होंदी मैनू एक नौजवान मिलिया एक नौजवान मिलिया ते मिल के रोई जांदा है रोई जांदा है मैं पूछिया खरीयत क्यों रोई जा रहे आए कहन लगा रबानी साहब अज मैनू अपना बाप याद आ गया है अठ साल हो गए ने बाप दुनिया तो चला गया है अज मैनू अपना बाप याद आ गया है ओ लोगो ओ नौजवान यार मैं रब दा वास्ता दे के आना कदे फौत शुदा मापिया नू याद कर लिया करो मापिया नू भूल ना जाया करो कदे मापिया वालों अल्लाह दे राह विच सदका भी कर लिया करो ये नौजवान रोई जांदा है कहन लगा रबानी साहब हालात साडे घर दे बड़े माड़े सन असी बड़ी गुरबत वेखीए मेरा बाप दिहाड़ियां करदा रहा है मेरा बाप मजदूरियां करदा रहा है ते बाप मैनू पढ़ांदा रहा है ते साडे कोल ते घर दा साइकल भी कोई नहीं सी अज रब मैनू गड्डियां कारां दे छड़ियां ने ते वेखण वाला बाप नजर नहीं आ रहा सब कुछ है वे आज कोठियां है ने आज गड्डियां कारा है ने पर आज बाप नजर नहीं आ रहा काश किते आज मेरा बाप जिंदा हुंदा मैं बाप नू गड्डियां ते बिठा के लई फिरदा आज रब ने दौलत दीती है आज रब ने माल दीता ते मापे नजर नहीं आ रहे मापे भुखा कट दे रहे ने कई कई दिन साडे घर फाके चलते रहने किराए दा मकान सी आज कोठियां बिल्डिंगां कारां गड्डियां है ने पर आज मापे नजर नहीं आ रहे मेरे भाई मेरे बरादर मेरे आका ले सलाम नूर यार केड़ी अजमत है जेड़ी रब ने मेरे पैगंबर नू अता नहीं फरमाई के बावजूद इस दे मेरे नबी भी आज अपने मापिया की कमी महसूस कर रहे आ फरमांदे होंगे अम्मी वेखना रब ने तेरे बेटे नू सारी कायनात दा सरदार बना दिता है मेरे भाइयो मेरे बरादर निजाम मेरे मालिक दा है इन अपने फौशुदा मापिया नू जिंदगी च भुला ना दे आ दे और अगर असी अज अपने मापिया नू भुल गए ते कल नू साडिया औलादा ने सानू भुला देना दे अज अगर असी अपने मापिया दियां कबरां ते जावांगे अपने बेटियां नू नाल लैके जावांगे बच्चियां नू नाल लैके जावांगे औरतां जेड़ियां ने ए भी कदे कदाए कब्रस्तान जाना चाहन ते दुआ करन वास्ते जा सकदियां ने अगर अज असी अपने बच्चियां नू लैके जावांगे आ बेटा ए तेरे दादा अबू दी कबर है पुत्र ए तेरे नाना अबू दी कबर है पुत्र ए साडे फलां दी कबर है ओए ओ कबरां याद भी रखणगे ते बाद विच तेरी कबर भी याद रखणगे मेरे भाइयो मेरे बरादर अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैनू तुहानू कुरान सुन्नत समझ के सही माने अच अमल दी तौफीक अता फरमा दे सदक अल्लाह अलाली जलाजीम وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
والحمدللہ رب العالمین।